यह है मधुमक्खियों की एक क्लासरूम जहां इनको पढ़ाया नहीं बल्कि ट्रेन किया जाता है। सर्किट बोर्ड के अंदर बैठी ये हनीबीज अपनी ट्रेनिंग के बाद एक डिजिटल सेंसर का काम करेंगी, एक ऐसा सेंसर जो एक्सप्लोसिव और ड्रग्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है कि आखिर मधुमक्खियां एक छोटा कीड़ा इतना एफिशिएंटली बारूद और ड्रग्स कैसे डिटेक्ट कर सकता है और फिर वो अपना सिग्नल हम इंसानों को कैसे भेजता है। पर ये हकीकत भी है और ऐसा मुमकिन भी है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस ट्रेनिंग की शुरुआत मक्खी के छत्तों से होती है जहां सबसे पहले एक डिवाइस को इस्तेमाल करके मक्खियों को सेलेक्ट किया जाता है। इस डिवाइस में जमा करने के बाद इनको लैब में शिफ्ट किया जाता है जहां इनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू होता है। छत्ते से निकलने के बाद ये बहुत वायोलेंट होती हैं, इसीलिए सबसे पहले इनको एक रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा किया जाता है ताकि इनकी मूवमेंट्स कम हो सके। ठंडा करने के बाद इनको हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है जिसमें ये उड़ तो नहीं सकती पर इनका फेस खुला रहता है। अब इसी हार्नेस में इनको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अपने नए माहौल की आदत बना सकें। एक एक मक्खी को हाथों से हार्नेस में लोड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इसीलिए कई लेबोरेटरीज ये काम मशीन की मदद से करती हैं। अब अगले 2 दिनों तक इन मक्खियों को ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी तरह होती है जैसे कुत्तों को ड्रग्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज होती है। ये दोनों क्रिएचर्स मीलों दूर तक अपने टारगेट को सूंघने की सलाहियत रखते हैं। कुत्तों को अगर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी हो तो छोटी एज से ही इनको एक्सप्लोसिव पाउडर सूंघाया जाता है। जब भी कुत्ता ये सूंघता है तब उसको बदले में रिवॉर्ड के तौर पे खाने के लिए कुछ दिया जाता है। इसमें ख्याल रखा जाता है कि कुत्तों को बगैर एक्सप्लोसिव स्मेल के खाना नहीं दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ता ये अच्छी तरह समझ जाता है कि खाना उसको सिर्फ तब मिलेगा जब वो एक्सप्लोसिव सूंघेगा। कुत्तों की इसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके अब इनको एयरपोर्ट्स पर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी ये किसी लगेज में एक्सप्लोसिव सूंघता है तो वो अपनी आदत से मजबूर अपने मालिक या ट्रेनर के सामने जबान निकालता है और उसी वक्त उसको रिवॉर्ड के तौर पर खाना दिया जाता है। अगर किसी लगेज में एक्सप्लोसिव ना भी मिले तब भी ट्रेनर को उसे पहले एक्सप्लोसिव सूंघाना होता है और फिर ही खाना देना होता है। पर मधुमक्खियां ये काम कैसे करती हैं? कैसे वो इंसानों को बताती हैं कि अब इन्होंने एक्सप्लोसिव या ड्रग्स को सूंघा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की स्मेल आती है तो वो अपनी जबान बाहर निकाल लेती हैं। इनकी ये जबान एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है जिससे वो लिक्विड को सक कर सकती हैं। फूलों की स्मेल पर जबान निकालने की इस आदत को बदलना इतना मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मक्खियां जब थक हार जाती हैं तो इनमें से अब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कॉटन बर्ड पर मीठा पानी लगाकर इनके सामने रखा जाता है। जो मक्खियां इस मीठे पानी को चूसने में इंटरेस्टेड होती हैं वो अपनी जबान बाहर निकाल लेती हैं। यही वो पॉइंट होता है जब इन मक्खियों को शॉर्ट लिस्ट करके ट्रेनिंग के अगले फेज में भेज दिया जाता है। अब इन शॉर्ट लिस्टेड मक्खियों को 6 सेकेंड्स के लिए एक्सप्लोसिव वेपर सूंघाया जाता है और आखिर के 3 सेकेंड्स में उनको मीठे पानी में डिप हुआ कॉटन बर्ड दिया जाता है। ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से चल रहा होता है। चंद ही घंटों के बाद मधुमक्खियां अच्छी तरह ट्रेन हो जाती हैं। उनको समझ आ जाता है कि एक्सप्लोसिव की इस खास स्मेल के फौरन बाद उनको रिवॉर्ड के तौर पे मीठा पानी मिलने वाला है। तो अब ऑटोमेटिकली इस खास स्मेल के बाद इनकी जबान बाहर निकल आती है। अब ये मक्खियां पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी हैं, लिहाजा अब इनको हार्नेस से निकालकर एक कंटेनर में आजाद कर दिया जाता है और यही ट्रेनिंग अब दूसरे मक्खियों के बैच को भी दी जाती है। यहां आपको बताते चलें कि ये ट्रेनिंग इनको एक्सप्लोसिव पाउडर पे भी दी जा सकती है और नारकोटिक्स पर भी। पर अब मसला ये है कि मक्खियों का ये खास रिस्पॉन्स इंसान तो माइक्रोस्कोप से देख सकता है पर प्रैक्टिकली एयरपोर्ट्स और सेंसिटिव एरियाज में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे मक्खियों का एक्सप्लोसिव सूंघ कर जबान निकालना एक मशीन भी डिटेक्ट कर सके। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो है वीडियो प्रोसेसिंग,
जी हाँ, मक्खियों को हार्नेस में फिट करके एक मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। इस डिवाइस में लगे माइक्रो कैमराज मक्खियों के जबान निकालने को AI वीडियो प्रोसेसिंग के जरिए डिटेक्ट करते हैं और ये सिग्नल स्क्रीन पर फौरन एक अलार्म डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही मशीन रिवॉर्ड के तौर पे मीठे पानी वाला कॉटन मक्खियों के सामने कर देती है। कैमराज के अलावा मक्खियों का रिएक्शन एक इंफ्रारेड लाइट से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट को मक्खियों के फेस के नीचे ऐसे फिट किया जाता है कि जब भी इनकी जबान बाहर आएगी तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाएगी। ऐसा होने पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि अब मक्खियों की जबान बाहर है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके 36 मधुमक्खियों को एक हैंड हेल्ड मशीन में डाला जाता है, जिसको सिक्योरिटी स्टाफ 6 सेकंड्स के लिए पैसेंजर के बैग के सामने रखता है। अगर तो बैग में ड्रग्स या फिर एक्सप्लोसिव होगा तो फौरन स्क्रीन पर रेड अलार्म डिस्प्ले हो जाएगा। कुत्तों और मधुमक्खियों की इस पावर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत फर्क निकल कर सामने आता है। जो ट्रेनिंग कुत्तों को दी जाती है उसमें कई साल लग जाते हैं, जबकि मक्खियों को सिर्फ चंद घंटों में ही ट्रेन कर लिया जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि कुत्तों के मुकाबले में मक्खियों पे होने वाला खर्चा भी बहुत कम होता है। इसके साथ साथ कई केसेस ऐसे होते हैं जहां कुत्तों का इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं होता, जैसा कि जमीन में दफन की गई लैंड माइंस को ढूंढना। ये लैंड माइंस अपने ऊपर पड़ने वाले थोड़े से भी वजन को डिटेक्ट करके फट जाती हैं, और जाहिर है ये काम कुत्तों के करने का नहीं है। इसके लिए ट्रेंड शुदा मक्खियों को खुला छोड़कर ड्रोन से उन पर नजर रखी जाती है। अगर कहीं उनको एक्सप्लोसिव की स्मेल आती है तो वो उसके आस पास भटकने लगती हैं, इस उम्मीद में कि अब उनको मीठा पानी मिलने वाला है। मक्खियों का ये रिएक्शन कैमरा के जरिए लाइव देखा जा रहा होता है और एक्सपर्ट्स सीधा उस स्पॉट पे पहुंचकर मक्खियों को उनका रिवॉर्ड देते हैं और लैंड माइन को खोदकर नाकारा बना लेते हैं। आज तक सिर्फ ट्रेंड कुत्तों और मधुमक्खियों को ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि और भी कई जानवर हैं जिनको हिस्ट्री में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भरपूर इस्तेमाल किया गया था और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद भी रहे। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग जल्द ही ZEM TV पे देखेंगे। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।